यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भाई। क्या बोलता है ये रूल देखिए, इसमें हमने क्या बोला था कि स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी। ओके, देन फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स या मोशन भी। ओके, मैग्नेटिक फोर्स एंड ए मोशन। एक बार राइट कीजिएगा, देख लिया था, लिखो फिर। लिखिए, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैंने कल एग्जांपल भी करवा था आपको, समझ में आया था एग्जांपल भी? एग्जांपल में डायरेक्शन निकाल सकते थे? अगर फील्ड ऐसे है तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये करंट डायरेक्शन ऑफ करंट अभी मान लेते हैं, ये बी का डायरेक्शन है। अगर अप्लाई करते हैं इस पर आप फ्लेमिंग रूल्स भी, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ ए करंट देगा, थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स भी। समझ में आई बात है? ये वाला, इसमें फोर्स कहाँ पे होगा, इनवर्ट होगा भाई, है ना? ये वाला भाई, ये फील्ड है, करंट नीचे की तरफ है यहाँ पे, और यहाँ पे फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा भाई। नेक्स्ट टॉपिक है बायोट सेवरेट लॉ, बायोट ए सेवरेट लॉ। देखिए, जो पहला टॉपिक हुआ था मैग्नेटिक फोर्स, वो था चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना भाई। चार्ज चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, उस पर हमने फोर्स निकाला, फोर्स का वैल्यू कितना था, क्यू वी बी साइन थीटा भी, याद है कि नहीं है? बायोट सेवरेट लॉ किसके लिए है, अगर कोई चार्ज कंडक्टर हो भी, या करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उस कितना वैल्यू दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड का भी। कोई वायर है अभी क्लास, इसके इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे भी, ये निकालना हो तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर भी। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं किसी कंडक्टर की, फर्स्ट मिनट में भी की थी हम लोगों ने, हमारे पास दो तीन तरह की चार्जेस पॉसिबिलिटी थी। एक तो था लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज भी। बोला गया चार्ज बॉडी बन जाए तो क्या होगा, उस बॉडी का स्मॉल स्मॉल एलिमेंट कर लीजिएगा। सेम यहाँ पे एक्चुअली बायोट सेवरेट किसके लिए था, इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए अभी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, पूरी बड़ी वायर है भाई, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसकी वजह से निकालो कितना आंसर आएगा। तो वैसे निकालने के लिए क्या बनाया हुआ है, बायोट सेवरेट लॉ। ठीक है, लिख लीजिएगा, दिस लॉ गिव द, दिस लॉ गिव द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दिस लॉ गिव द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इंडक्शन बनेगी, वैल्यू बनेगी उसकी, वो जो देगा कौन है, बायोट सेवरेट का भी साइंटिस्ट ने मई भी हो जाएगा। देखिए, इसने क्या किया, एक वायर ली भी, वायर लेंथ इन्फाइनिट लॉन्ग हो सकता है भी। तो एक्स वाई कोई वायर है मेरे पास, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है अभी, दिस इज करंट आई। ओके, आपको यहाँ पे निकालना है, कोई पॉइंट हो सकता है, एनी पॉइंट सी, जहाँ पे आपको निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट वायर भी। अब पूरी वायर कितनी लंबी है, इन्फाइनिट लॉन्ग है भाई, तो कैसे निकालोगे? तरीका क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ, उसका निकालो, और पूरे के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यही तरीका भाई। तो उसका क्या बना लेते हैं हम लोग, एक स्मॉल एलिमेंट बना लेते हैं, ऑफ ए बी मान लें, ऑफ लेंथ डी एल ले लेते हैं, स्मॉल लेंथ भाई, ऑफ लेंथ है डी एल, पूरी लेंथ एल मान लूँ, कर पाओगे? यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस भी होगा भाई, आर मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हो सकता है किसी कोई एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, एंगल जीरो से लेकर 360 कुछ भी हो सकता है भाई, यस आर नो, कोई एंगल हो, दिस एंगल थीटा भाई। ओके, अब देखो, ये भी ये टॉपिक नहीं है, इट इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल टॉपिक भी,
ये थियोरटिकल टॉपिक है सिर्फ। गौज़ला आपने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, क्या गौज़ला एक प्रैक्टिकल टॉपिक है? क्या उस पर लैब वर्क किया जा सकता है गौज़ला पे? गौज़ला में हमने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट यूज़ किया था हर जगह पे भी, यस और नो? अब क्वेश्चन है जहाँ पे भी स्मॉल एलिमेंट हो क्या वो प्रैक्टिकल टॉपिक हो सकता है? आप मैं बोलता हूँ आपको स्मॉल एलिमेंट ले लीजिएगा, आप कितना स्मॉल लोगे? कितना स्मॉल? हर किसी के लिए स्मॉल का वैल्यू अलग है अभी, यस और नो? जहाँ भी आपको स्मॉल एलिमेंट यूज़ कर रहे हो इट इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल टॉपिक भी, कोई भी हो सके तो सिर्फ क्या है मैथमेटिकल टॉपिक है भाई उसका। लिख लीजिए लेट वी हैव ए करंट कैरिंग वायर एक्स वाई, लेट वी हैव ए करंट कैरिंग वायर एक्स वाई ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ओके आगे लिखिए एंड सी इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, इंडक्शन बोलो, फील्ड बोलो, मर्जी आपकी भी, ओके? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द वायर समझ में आया? ओके अब क्या करते हैं, तरीका तो एक ही है भाई, जब भी आपको पूरी वायर मिले तो छोटे छोटे भाग बना लो उसके भी। लिख लीजिए लेट ए बी इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर, ए बी इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर ऑफ लेंथ डी एल, ए बी इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर ऑफ लेंथ डी एल। समझ में आया इतना? और ये भी मान लेते हैं डी बी क्या है भाई, डी बी इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू किसकी वजह से है, स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। पहला पॉइंट क्या होगा क्लास, अगर मैं करंट की वैल्यू को बढ़ाऊं तो भाई यस बी डी बी किन बात पर डिपेंड करेगा, स्मॉल फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट सी एलिमेंट की वजह से। पहला पॉइंट, अगर करंट को बढ़ा दिया जाए क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? पक्का है फील्ड स्ट्रांग होगा तो अभी इस पर भी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रांग होगी भाई। तो लिख सकता हूँ पहला पॉइंट भाई कि मेरा डी बी डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट के ऊपर भी, सही है कि नहीं है? सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग भाई, इसका एलिमेंट डी एल है भाई, अगर मैं एलिमेंट बढ़ा ले लूँ तो वो बड़ी मैग्नेट बनेगी, छोटा लूँ तो छोटी मैग्नेट बनेगी, बढ़ा लिया तो बड़ा मैग्नेट फील्ड भी बढ़ा, यस और नो? तो सीधी सी बात है भाई डी बी प्रोपोर्शनल टू किसके, डी एल, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, सही है कि नहीं है? हाँ आर की बात नहीं करेंगे, आर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, फील्ड घटेगा कि बढ़ेगा? मैग्नेट से दूर जा रहे हैं, घटेगा, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में, घटेगा पक्की बात है अभी, बच गया कौन है, एंगल ही बचा हुआ अभी, ये वायर है क्लास, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग फील्ड कैसे बनेगा इसमें, एक रूल है इसके लिए, ठीक है? ये आपके करंट होगा, ये जो उंगलियाँ होंगी क्या क्यों दिखाएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, तो फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे या ऐसे अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ करंट भाई, यस आर नो? ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे अभी फील्ड के, क्या बनेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल। क्या यहाँ पे फील्ड होगा भाई, यहाँ पे एक वायर है भाई, सिंपल सी वायर है, क्या यहाँ पे फील्ड होगा भाई, यहाँ पे फील्ड होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे है फील्ड तो सिर्फ, कहाँ पे है, इसके अराउंड ही है भाई, यहाँ तो थोड़ी है फील्ड, इसका वायर यहाँ पे कितने ही वायर यूज़ कर रहा हूँ मैं, आगे तो वायर ही नहीं है, यहाँ फील्ड कितना होगा, जीरो, यहाँ पे होगा, जब ये पॉइंट सी पॉइंट है, ये पॉइंट इसके जीरो डिग्री पे हो गया तो फील्ड जीरो था भाई, जब इसके 90 डिग्री पे हो गया फील्ड था भाई, यस और नो?
मैक्सिमम होगा 90 पे तो yes. तो किस कंडीशन में साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम दिखाता है, कौन दिखाता है? साइन दिखाता है. तो साइन यूज करूँ कि कॉस यूज करूँ? साइन. समझ में आया कि नहीं आया? तो थर्ड पॉइंट क्या होगा क्लास, कि डी बी डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू के ऊपर भाई? साइन की वैल्यू के ऊपर, साइन थीटा. देखो डायमेंशन से साइन नहीं निकाल सकते हम लोग, कभी भी निकाल सकते, क्योंकि डायमेंशनलेस होता है एंगल्स भी. ये हमको डालना पड़ेगा अपनी मर्जी से अभी. क्यों? मैं पता चला कि एंगल पे डिपेंड कर रहा है आंसर्स भी. एंगल्स डायमेंशन निकाल सकते हम लोग, यस सर नो? तो अपने आप डाला गया है इस तरीके से बता के कि ऐसा होगा भाई, हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट में आर बच गया भाई. आर बढ़ने से डी बी घटेगा, पक्का है? घटने से बढ़ेगा, उल्टा भाई, इनवर्सली तो है भाई. कैसे है? 1/r² भी, नोट आर भी. अब ये स्क्वायर कैसा लगेगा आपको कि स्क्वायर से निकाला गया? जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं सारे इनवर्स स्क्वायर लागू भी करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड सारे क्या हैं? कंजर्वेटिव हैं भी. इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी. समझ में आई बात भी? ये आर पर डिपेंड नहीं करता, 1/r² पर डिपेंड करता है. समझ में आया थोड़ा बहुत? हमारा जो पहला फोर्स था F=K(Q1)Q2/r² कहीं उन्होंने प्रूव किया इस चीज़ को कि ये आर स्क्वेयर है नीचे क्यों आया? कहीं नहीं प्रूव किया, वो निकाला गया टॉपिक अभी. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? एग्जांपल फ्रिक्शन भी नॉन कंजर्वेटिव. कौन सा है? फ्रिक्शन. उसमें कहीं भी 1/r² नहीं आता भाई, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता सीधा सा, बढ़ेगा तो घटेगा ऐसा कुछ करके जो भी आंसर था उसके. न्यूक्लियर फोर्स कौन से हैं? नॉन कंजर्वेटिव है, उनमें भी कहीं भी 1/r² कभी नहीं आता कभी भी वैल्यूज के साथ. कौन कौन से फोर्स बच गए? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सारे क्या हैं? कंजर्वेटिव हैं. डिपेंड किस पे करते हैं? 1/r², इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. समझ में आई बात भाई? चारों पॉइंट को मिलाऊँ तो क्या आंसर बनेगा भाई? डी बी प्रोपोर्शनल टू किसके भी? IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. सही लिखा है? डायग्राम हो चुका है भाई? रब कर दें इसको. डस्ट कहाँ तुम्हारा? कांस्टेंट आ रही है का भाई? कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे. DB इज इक्वल टू K IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 3 marks भी बाई सर्वेट ला भाई. ठीक है भाई? K क्या भाई? वेर K इज कांस्टेंट भी, और हर कांस्टेंट में कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है भाई. 1 नहीं है इसका. K इज इक्वल टू इसका वैल्यू है म्यू नोट बाई 4π भी. ये नया पॉइंट आ गया, म्यू नोट क्या है? ठीक है, म्यू नोट बाई 4π. ओके, अगर आपको याद हो कॉलम्स ला भी, उसमें एक चीज़ आई थी एप्सिलॉन नोट भी. क्या थे भाई? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस भी लिखा जाता है. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. व्हाट इज म्यू नोट? मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस सही है. इसका वैल्यू होता है कुछ भी, ये लिख दो. म्यू नोट क्या भाई? इसका नाम क्या है लिख दीजिएगा. मैग्नेटिक परमेबिलिटी लिख दोगे? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी, मतलब खाली जगह है, वैक्यूम्स यूज किया जा रहा है, एयर यूज की जा रही है, मीडियम नहीं है. मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसका वैल्यू होता है, लिख दिया. वैल्यू होता है 4π 10^-7 वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स. ये क्या चीज़ आ गई भाई? नया आ गया कुछ और अजीब सी चीज़ आ रही है ना भाई. वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स ये क्या हो गया पता नहीं है. तुम भूल चुके हो, तुम कौन सी फीस पढ़ रहे हो अभी? 1800 के बाद वाली पढ़ रहे हो, और उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है अभी मैग्नेटिक फील्ड में. वेबर इज अगेन यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म भी. किसकी यूनिट है ये? पोल स्ट्रेंथ की. मैग्नेट की ये पोल कितना स्ट्रॉन्ग है कौन बताएगा? यूनिट बताएगी आपको अभी वेबर. इसका थोड़ा सा और उसमें ले आता हूँ जो आपको पता है. 1 टेस्ला किसके बराबर होता है भाई? वेबर. वेबर बोलते हैं इसको, लिख दीजिएगा मीटर माइनस 2. ये तो WEBR वेबर.
वन वेबर टेस्ला किसके बराबर होता है, वेबर मीटर माइनस टू, सही है। इसको इन टर्म ऑफ वेब ये लिखूँ तो टेस्ला लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, इसे माइनस टू है कहीं पे, तो ले आओ भाई एम से गुणा करो, एम से भाग दो, माइनस टू हो जाएगा। तो कैसे बनाओगे, म्यू नॉट का वैल्यू 4π 10⁻⁷ टेस्ला मीटर ए इनवर्स, मैंने सही लिखा है, बता दो। कुछ नई चीज़ आ रही है आपके सामने भी, या सर ना तो नया टॉपिक पढ़ नहीं आएंगी, इसमें नया क्या है, नहीं रब कर दें इसको, ये वाला हो गया अभी। तो मेरा फार्मूला क्या बना अभी, व्हाट इज डीबी, क्या लिखोगे, म्यू नोट बाई 4π आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर, समझ में आया कि नहीं आया भाई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट्स भी, अजीब लग रहा फार्मूला, जब आपने कॉलम सुला पढ़ा तो भी अजीब लगा था आप लोगों को पहली बार, 1/4 एप्सिलॉन q1/q2, ये क्या एक्चुअल में कॉलम्स ला ही मान सकते हो इन मैग्नेटिज्म भी, पहला टॉपिक भी सही है। कई बार क्वेश्चन आता है, आज पूछ सकते हैं आपसे वाई वाई के अंदर, प्रैक्टिकल वाई वाई के अंदर, कि मैग्नेटिक फील्ड में कॉलम्स ला का रोल कौन प्ले कर रहा है भाई, बायोट सर्वेटला प्ले करता है भाई, सही है। ऐसे कॉलम्स वाला मैग्नेटिज्म में भी है, लेकिन वो नहीं है, वो अलग है भाई, कर लोगे। गोजला भी है, वो भी अलग है, लेकिन कॉलम्स ला का रोल कौन करता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी एक नया चीज़ आई थी एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे नई चीज़ आ रही है म्यू नॉट, सही है कि नहीं है। वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पे कुछ गुणा में थी, यहाँ पे कुछ गुणा में वैल्यूज आई हुई हैं। तो बायोट सर्वेट लाभ किसका रोल प्ले करता है यहाँ पे, कॉलम्स ला का रोल प्ले करता है भाई, जो वहाँ पे कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, क्योंकि आपको पता है कि डीबी एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड में, ये सर नो डायरेक्शन तो होनी चाहिए भी। इसको कैसे लिखोगे, इन टर्म ऑफ वेक्टर्स में, इन वेक्टर फॉर्म लिखिए, बताओ साइन आया भाई, सिंपल है, क्या लिखोगे, आई म्यू नॉट ए 4π, अब बोलो, अरे साइन नहीं आया भाई, आई क्रॉस ए डीएल, ऐसा आई वेक्टर ही नहीं है भाई, कुछ भी बना लेते हैं ना भाई, हम तो बनाए नहीं, हम तो बोले नहीं भाई, है ना भाई। ये मत करना कि आई क्रॉस डीएल लिख दो यहाँ पे, साइन आया इसलिए, आई इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी भी, तो उसके लिए एक और वेक्टर लेके आना पड़ेगा आपको, क्या करें, डी बी म्यू नॉट बाई 4π आई डी एल साइन थीटा बाई आर 3, आर से भाग दिया आर से गुणा किया, कुछ फर्क पड़ेगा, सही है। लेकिन आर वेक्टर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट है भाई, डी एल वैक्टर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट है, इनकी गुणा तो हो सकती है इन टर्म ऑफ क्रॉस भी, तो आंसर क्या आएगा मेरे वैक्टर फॉर्म में भी, म्यू नॉट बाई 4π, आई तो वेक्टर नहीं है, आर क्रॉस डी एल होता है, आर क्रॉस डी एल बाई आर 3, डी एल क्रॉस आर मत करना, माइनस साइन आता है उसके लिए, सही है। यस भाई, हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर भी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है भी क्लास, ये वायर होगा इनफाइनाइट लॉन्ग भी, बहुत लंबा वायर यूज किया जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं सारी एप्लीकेशन होंगी बायोट सर्वेट ला के भी, ये टॉपिक बना रहे हैं हम लोगों ने। तो देखो अभी क्लास करना क्या है अभी, इसमें अभी आपको बनाना नहीं कुछ भी जो बना रहा हूँ डायग्राम में, आपको बाद में बनाना है। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर होगा अभी ऑफ लेंथ इनफाइनाइट लॉन्ग से, और इसे करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट आई, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है अभी, पॉइंट सी मान लेते हैं, जहाँ पे आपको निकालना है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वे। एक वायर है सिंपल वायर, स्ट्रेट वायर, करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे निकालना है बस आपको, ये क्यों होना, सही है, लिख लीजिए एक बार, लिखो वी हैव ए स्ट्रेट करंट कैरिंग, वी हैव ए स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर हैविंग करंट आई
हैविंग करंट आई एंड एंड सी इज द पॉइंट एंड सी इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक ही बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस और क्या था इंटेंसिटी भी कर लोगे। तो देखो भाई, जब भी हम किसी बॉडी की बात करते हैं तो तरीका एक ही करने का, बॉडी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा भाई, सही है। ये पॉइंट को मैं ओ मान लूँ भाई, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि यही है डिस्टेंस यहाँ से। ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया क्लास छोटा सा, इसका नाम देता हूँ ए एलिमेंट है ये, जिसका लेंथ कितना है, एलिमेंट ए है और लेंथ कितना है इसका डी एल, स्मॉल लेंथ भी कितना है डी एल, कर लोगे। इसकी वजह से निकाल लेते हैं यहाँ पे कितना फील्ड आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का भी, क्या यूज़ करना आपको, बायोड सर्वेट ला यूज़ करना है। तो ये तरीका करने का, एलिमेंट बना लो, वहाँ तक का डिस्टेंस मापो, एंगल मापो भाई, कितना एंगल थीटा एंगल भी यहाँ से, क्योंकि एलिमेंट हमने अपनी मर्जी से लिया है तो मेरे को पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है। वायर इनफाइनाइट है, ये लेंथ थोड़ी है, तो पता है मेरे को कहाँ लेना है मेरे को, कर लोगे। एनी प्रॉब्लम भाई, डायग्राम अभी नहीं बनाना भाई, ओके। आपको यूज करना है बायोड सर्वेट ला भाई, लिख लीजिएगा, लिखो लेट ए इज द स्मॉल एलिमेंट, लेट ए इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल, ऑफ लेंथ डी एल, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, क्या बोलता है बायोड सर्वेट ला भी इसके लिए, कि डीबी का वैल्यू कितना होगा, म्यू नोट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ओके। ये बायोड सर्वेट की कंडीशन है हमारी, विद स्मॉल एलिमेंट के साथ काम करेगा ये। अब यहाँ पे देखो भाई, हमको कुछ भी गिवन नहीं है, आई को छोड़ के भी सब कुछ, क्योंकि सारा टर्म ए की टर्म है, मेरा आंसर से ए में निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ याद रखिए, देखिए एलिमेंट आप कहीं भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है भी। जब एलिमेंट नीचे लोगे तो ये एंगल कुछ और हो जाएगा, ऊपर लोगे ये कुछ और हो जाएगा भाई, यानी इसमें थीटा भी क्या है, वेरिएबल बन रहा है यहाँ। तो अगर ये थीटा चेंज होगा तो ये एंगल भी बदल जाएगा भाई, इसको फाइव मान लूँ भाई, क्योंकि 90 का है ये तो फिक्स रहेगा भाई, ट्रायंगल के दो एक एंगल बदल रहा है, एक फिक्स है तो थर्ड अपने आप बदलने वाला है, कर लोगे तो फाइव के अकॉर्डिंग काम करेंगे सारा, क्योंकि मेरे को ये तो गिवन नहीं है कहीं कहाँ पे है थीटा की वैल्यू, इसको यूज़ करना भाई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन से। ऐसा करो डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना भाई, मैं चेंज कर सको आप लोग, इतना ही बना लेना, मतलब जगह होनी चाहिए यहाँ पे आपके पास, थोड़ा नीचे तक ले जाना इसको ऐसे, कि आप एक लाइन और खींच सको यहाँ पे ऐसे, ठीक है भाई, मर्जी आप, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट बना, लास्ट बना लो, चॉइस आपका भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बनाना तो अभी बना लो, इसको रब करूँगा अभी बनाओगे तो डायग्राम को, फिर मैं टॉपिक बड़ा है, बोर्ड भरेगा पूरा भी, हो गया, जल्दी करो। अगेन भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट भी, फॉर 3 मार्क्स भी, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं क्लास इस टॉपिक के भी, हो गया भी इतना, हो गया, एनी प्रॉब्लम भाई, डायग्राम में कोई दिक्कत है किसी को अभी तक? इस इक्वेशन में देखिए क्लास, इसमें पूरा इक्वेशंस में डीएल नहीं है, साइन थीटा नहीं है, आर नहीं है, सिर्फ ए ही वन अभी, सारा टॉपिक ए के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा आपको। कैसे बदलोगे, मैं पहले ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन द ट्रायंगल ए ओ सी, दिखाई दे रही है ट्रायंगल भाई, ए ओ सी, पहले बदलते हैं साइन थीटा को भाई। एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है भाई, तो लिख सकता हूँ इसको थीटा प्लस फाइव प्लस 90 इक्वल टू 180 भी,
ये 90 है, थीटा प्लस फाइव प्लस 180, सॉरी 90 इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ। फाइव इज इक्वल टू, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव लिख सकता हूँ उसको, 90 बच गया, फाइव यहाँ पर ले गया अभी, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव, क्योंकि मेरे को साइन चाहिए, दोनों तरफ साइन ले लीजिएगा, साइन थीटा बराबर है साइन 90 माइनस फाइव, साइन चाहिए ना आपको, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है कॉस फाइव, तो ये तो बदल गया अभी, साइन थीटा चेंज इन टू कॉस फाइव, सही है। फिर हमको चाहिए आर, भाई इसी ट्रायंगल में आर भी है, सेम ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल दोबारा यूज करते हैं, इन द ट्रायंगल्स भी कौन सी है, ओ ए सी या ए ओ सी, आपको गिवन क्या है अभी, आपको ए गिवन है इस ट्रायंगल का, और ये निकालना है, तो कॉस बना लूँ इसको मैं, कॉस फाइव बराबर है, फाइव की टर्म में डालना है, तो ये तो आपको गिवन ही नहीं है, तेरा तो नहीं है आपके पास, तो फाइव की टर्म में डाल लेते हैं आंसर को, तो कितना आएगा ए बाई आर ले सकता हूँ, ए बाई आर, क्या सही लिखा मैंने, ए बाई आर, तो हमको तो आर चाहिए भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भाई, ए बाई कॉस फाइव, एनी प्रॉब्लम क्लास, सही है। हम चेंज कर रहे हैं पहले, बाद में टॉपिक करेंगे, टॉपिक शुरू नहीं हुआ अब तक से, टॉपिक शुरू हो जाएगा आप इंटरेक्शन करना शुरू कर दोगे उस टाइम उसका, अभी टॉपिक चल रहा है, स्टार्ट होना बाकी है अभी, बच गया कौन इसमें, डी एल बच गया अभी, डी एल तो यार अभी, अब प्रॉब्लम क्या इसका है, कितना छोटा लें मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन इस ट्रायंगल में एल भी है भाई, एल तो मेरे को पता ही है, यस सर नो, क्या इस ट्रायंगल से टेंजेंट निकाल सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट फाइव, लास्ट दिख रहा अभी, टेंजेंट फाइव क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, एल बाई ए ले सकता हूँ, एल बाई ए, सही है भाई, यहाँ से एल निकाल सकते हो आप लोग, एल कितना आएगा भाई, इसको रब कर दूँ ऊपर वाले को, तो एल भी, एल क्या होगा, ए टेंजेंट फाइव, ए टेंजेंट ए फाइव, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, डी एल चाहिए भी, तो लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन भाई, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फाइव, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फाइव, इसका डिफरेंशिएट करना भी आपको, डेरिवेटिव करना है, तो कैसे लिखोगे इसको बताओ एक बार जल्दी से मेरे को, लिखोगे डी एल बाई डी टी, सॉरी डी एल बाई डी फाइव इज इक्वल टू, इसका क्या डेरिवेटिव होगा भाई, लिख दो एक बार, डी बाई डी फाइव कितना, टेंजेंट फाइव का डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट फाइव क्लास, इसको पता नहीं है लिख दीजिएगा अभी, सेकेंड होता है टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है भैया सीकेंट स्क्वेयर थीटा, जिसको पता नहीं है राइट कीजिए अभी, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा बराबर है सीकेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है, तो कितना होगा अभी, डी एल बाई डी फाइव बराबर है किसके भी, एक आई हो जाएगा सिकेंड स्केयर फाइव, मेरे को डी एल चाहिए अभी, डी एल बराबर है ए सिकेंड स्केयर फाइव, डी फाइव ले सकता हूँ, डी एल चाहिए मेरे को, तो डी एल बाई डी फाइव चाहिए, क्या चाहिए, डी एल चाहिए, डी एल आ गया, क्या वैल्यू है डी एल का भाई, ए सिकेंड स्केयर फाइव डी फाइव, सब कुछ आ गया भाई, पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशंस, सभी को कहाँ रख देते हैं, फर्स्ट में भी लिखो, पुट इन द फर्स्ट, बताओ भाई क्या बनेगा, डी बी बराबर है भाई म्यू नॉट बाई फोर पाई आई, व्हाट द वैल्यू ऑफ डी एल भाई, ए सेकेंड स्क्वेयर फाइव डी फाइव, सही है, साइन थीटा कॉस फाइव डिवाइड बाई, व्हाट द वैल्यू ऑफ आर, ए बाई कॉस फाइव का स्क्वेयर कर दूँ, क्या मैंने सही लिखा, यस सर नो, इतना कोई प्रॉब्लम है किसी को, आपको पता होना चाहिए सेकेंड जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, ये बात पता है, सेकेंड क्या होता है कोस का उल्टा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बी बराबर भी म्यू नॉट बाई फोर पाई आई ए
बाई कोस केयर थीटा डी फाइव, सिकेंड को लिख दिया उन्हें उल्टा करके भी क्योंकि सारा कोस में आ रहा है मेरा आंसर से, इंटू कोस फाइव थीटा नहीं है सॉरी फाइव कोस फाइव डिवाइड बाई ए स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर फाइव, क्या मैंने सही लिखा भाई? चेक करो एक बार, ये पूरे के नीचे क्या है? म्यू नोट बाई फोर पाई, सही है म्यू नोट बाई फोर पाई। एनी प्रॉब्लम भाई? ये डायरेक्ट काट दो, ये कितना आ गया वन बाई कोस स्क्वेयर, ये कोस स्क्वेयर हो गया, कोस स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो एक कोस ऊपर भी है, कोस की पावर तीन, और डिवाइड में क्या है कोस स्क्वेयर है, कोस से कोस स्क्वेयर कट जाएगा भाई, यहाँ पे क्या बचेगा एक कोस बचेगा, ए से काट दें ए स्क्वेयर है यहाँ पे, क्या बचने वाला भाई यहाँ से काटने के बाद, क्या रब कर दें डी बी बराबर अभी क्या क्या बचा भाई, कोस स्क्वेयर कोस की पावर तीन होगी यहाँ पे, तीन होगी ना, और कोस स्क्वेयर कट गया यहाँ पे, क्या बचा भाई आई है म्यू नोट बाई फोर पाई है, आई है ए से काट दें, क्या बचना है कोस फाइव डी फाइव है डिवाइड बाई ए है, क्या यही है? चेक करो एक बार, कट रहे हैं यस भाई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, अब टॉपिक शुरू होने वाला अभी, क्या करना मेरे को तो पूरे वायर का निकालना है क्लास, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई। अब इस इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल को ना भी, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करते हैं वेरिएबल के हिसाब से सारा काम, वेरिएबल कौन है पाई, आई क्या बोल रहे हैं पता नहीं, मी नोट फोर पाई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट बच गया, कौन एंगल ही बच गया सिर्फ, क्या बच गया एंगल ही बचा हुआ है अभी, यस और नो, तो एंगल क्या है चेंज हो रहा है अभी, कैसे चेंज हो रहा है एंगल क्लास। अब देखो भाई ये जो पूरी वायर थी मेरी, इसमें सिर्फ फाइव मीटर में आंसर लेना मेरे को पूरी वायर का निकालना जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग है भाई, कहाँ तक है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलता हूँ तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ फाइव बदल रहा है, समझ में आई बात है, क्योंकि आपने सब कुछ यहाँ से मापा है तो ये कितने एंगल होगा क्लास पूरा, इसको फाइव में ले लूँ कोई एंगल है, अरे ये वाला जरूरी नहीं बराबर हो भाई, पता नहीं कहाँ से यूज़ किया उन्होंने वायर को, अगर ऐसा तो मिड पॉइंट से करें तो बराबर हो जाएंगे, जरूरी थोड़ी मिड पॉइंट से यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग, पता नहीं इन पॉइंट लॉन्ग वायर है भाई कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मेरी लिमिट क्या रहेंगी, इस एंगल से लेके इस एंगल तक करते पूरी वायर क्रॉस हो जाएगी मेरी भी, पूरी वायर का तो निकालना है, एलिमेंट कहाँ है वायर भी तो हैं, एक का यहाँ पे आ गया, अगर मैं इस एंगल से इस एंगल तक कर दूँ इंटीग्रेशन तो पूरी वायर आ जाती है मेरी यहाँ पे, देखो तो आंसर हो गया मेरा कंप्लीट भी, तो पूरा कितना आएगा अभी क्लास टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू, क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं डी बी, इंटीग्रेशन म्यू नोट बाई फोर फाइव आई कॉस फाइव डी फाइव बाई ए, लिमिट क्या रखूं भी बताओ, फाइव वन से फाइव टू पक्का है? Yes, गलत है भाई, फाइव वन से फाइव टू नहीं लिखूंगा, क्यों मर्जी है तो उल्टा एक ही बात होगी, उसमें क्या फर्क पड़ना, माइनस का फर्क पड़ेगा सर, बताओ भाई कुछ गलती है इस टॉपिक में अभी तक, क्या गलती है, हम माप कहाँ से रहे आप लोग, मेजर कहाँ से कर रहे हो, आपने तो पॉइंट यूज़ किया मेजर करने के लिए, एंगल भी ऐसे माप रहे हम लोग सारे, यस और नो, ओके आपका ओरिजिन है जीरो पॉइंट अभी, और याद रखिए जीरो पॉइंट जब आप बीच में ले लेते हो तो जीरो पॉइंट एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ क्या होगा नेगेटिव होगा, या जीरो इसको लो, इसको ले तो ये ए नहीं होगा ये आर बन जाएगा सीधा, आर और ए क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, इन्होंने क्या बोल रखा है एक वायर है भाई और यहाँ पे निकालना है तो सारा कुछ यहाँ से मापना पड़ेगा मेरे को इस पॉइंट से, नहीं कि इस पॉइंट से, अगर ये पॉइंट माप लिया
ये पॉइंट जीरो है, इसका ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला क्या नेगेटिव, इस तरफ वाले पॉजिटिव, इस तरफ वाले सारे क्या नेगेटिव। समझ में आई बात है? तो इसमें फाइव वन प्लस का होगा कि माइनस का होगा भाई? तो ये चीज़ थोड़ी ट्रिकी है भाई, याद होनी चाहिए आपको। माइनस फाइव वन से कहाँ तक जाना है? प्लस फाइव टू तक जाना है। कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो भाई, म्यू नोट आई बाई फोर पाई ए कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाइव वन टू प्लस फाइव टू किसका करना है? कॉस फाइव डी फाइव, सही है कि नहीं है? ये डायग्राम बना लिया अभी आप लोगों ने? Yes, sir. चेंज कर लिया इसमें? Yes, sir. समझ में आया हम क्या करना चाहते हैं? Yes, सोल्व करो भाई, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाइव? अब ये मत बोलना माइनस साइन फाइव होता है, पक्का? तो कितना आंसर आएगा अभी? म्यू नॉट बाई फोर पाई ए साइन फाइव होगा इसका भी। कहाँ से कहाँ तक है? माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू तक। पुटिंग द लिमिट्स भी क्लास, म्यू नॉट बाई फोर पाई ए लो, खाली जगह छोटा रखी मैंने इसकी, ओके भी म्यू नॉट आई फोर पाई ए पुटिंग द लिमिट साइन फाइव टू माइनस साइन माइनस फाइव वन भी, सही है कि नहीं है? जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा हुआ है, हाँ किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, साइन माइनस एक्स का फार्मूला होता है भाई, माइनस साइन एक्स। ओ मुसार हो गया तो है ना भाई, जिसको नहीं पता लिख लीजिएगा भाई, भाई वालों को नहीं पता तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखाएंगे साथ साथ में फार्मूले भी। ये तो प्रॉब्लम रहेगी आपकी थोड़ी सी, इसलिए नीट के एग्ज़ाम्स के अंदर फिजिक्स सिर्फ 25% की आती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो बेस्ट है भाई, आप बायो पे फोकस करो भाई, 50% बायो आएगी, 25% केमिस्ट्री आएगी, 25% फिजिक्स आएगी। और आप इंजीनियर बनना चाहते हो छोड़ो, बी इज इक्वल टू क्या लिखूं भाई, म्यू नोट आई बाई फोर पाई ए क्या लिखें, साइन फाइव टू प्लस हो गया साइन फाइव वन, एंगल साइन के अंदर एंगल की प्लस माइनस बाहर अंदर कर सकते हैं हम लोग, कोस में ये नहीं होगा अभी, उठे पहले अब कोस माइनस एक्स, कोस एक्स ही होता है अभी, वो प्लस होता है आंसर। अब ये क्यों होता है अब मैथ वाले से पूछिएगा, पूरा फसल टोटली प्रूव है भाई, ऐसी बात नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ होने वाला है, कर लोगे, दिस इज द फार्मूला। समझ में आया टॉपिक क्लास भी? तो पहला पॉइंट क्या क्लास, लिखिए व्हेन पॉइंट सी लाई नियर टू द वायर भी, व्हेन पॉइंट सी लाई नियर टू द वायर, पॉइंट सी अगर वायर के नज़दीक हो तो क्या होगा भी? ये वायर था भाई हमारे पास, याद है, इट ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर भी, पॉइंट सी यहाँ पे था, ये एंगल और ये एंगल मैंने बनाए थे भी, याद है कि नहीं है? ये फाइव वन था, ये कितना था फाइव टू, ये पॉइंट सी था भाई, पॉइंट सी को उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो नज़दीक और नज़दीक ले आऊँ तो एंगल ये बन जाएंगे, यस सर नो? तो इस फाइव वन में और इस फाइव वन में क्या फर्क है भाई, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, बराबर हैं? पॉइंट सी को उठा के यहाँ पे ले आया तो फाइव बदलने वाला है भाई, या बराबर रहने वाला, बदलेगा तो ये फाइव वन बड़ा है कि छोटा है अभी? बड़ा हो जाएगा एंगल, जितना नज़दीक जाओगे एंगल क्या होगा, बड़ा होने लग जाएगा, दूर जाओगे एंगल क्या होगा, छोटा होने लग जाएगा, सही है कि नहीं है? इसके नज़दीक जाना आपको कितना नज़दीक जाना है कि एंगल बड़ा हो जाए, मैक्सिमम बड़ा एंगल कितना हो सकता है ये, और ठीक कैसे होगा, ये एंगल है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 हो सकता है मैक्सिमम, जो कि होगा नहीं, लेकिन 89 समथिंग तो हो सकता है भाई, यस आर नो? तो बुक वाला क्या मानेगा इसको, 90 मान लेता हूँ, अगर इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है और पॉइंट सी नज़दीक है इसके तो दोनों एंगल क्या हो सकते हैं, फाइव वन बराबर है फाइव टू, किसके बराबर भाई, 90 के। समझ में आया कैसी है? ये होता नहीं है लेकिन 89 समथिंग तो हो ही सकता है भाई, 90 कभी नहीं होगा भाई, ऐसा कभी नहीं खड़ा मिलेगा आपको ये वायर, ये बिल्कुल थोड़ा सा नज़दीक मिलेगा। अब चांद पे एक वायर है मेरे पास भी, मैं वायर के नज़दीक खड़ा हूँ, चांद से कोई एंगल बनाए मेरे साथ भाई, कितना बनेगा, 90 बनेगा भाई आपके अकॉर्डिंग, लेकिन
उसमें कुछ पॉइंट का फर्क पड़ेगा ना, एंटी उस वायर के साथ एंटी उसका, वो मेरे साथ नहीं है, सही है कि नहीं है। तो जो मेरा फार्मूला बना था बी का, कितना था फार्मूला भाई, मी नोट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन, क्या है लिखे 90 प्लस साइन 90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 भी, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 से 4 काट दूँ भी, कितना बनेगा म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए, दिस इज द आंसर। मोस्ट न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला यूज होता है, समझ में आया कि नहीं आया। बस एक और केस बाद में कराएंगे आपको, या भी करा दूँ, एक मिनट में हो जाएगा, अभी करा दें, ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं, रब करते हैं इसको भाई। देखो पॉइंट सी लाई नियर टू द एंड ऑफ द वायर भी, पॉइंट सी लाई नियर टू द एंड ऑफ द वायर, अगर पॉइंट सी वायर के एंड के पास हो, कोई एक एंड ये, एक एंड ये, मान लेते हैं पॉइंट सी यहाँ पे है भाई, दिस इज पॉइंट सी ए वाई है, इसमें क्या नहीं होगा भाई इस कंडीशन में, ये एंगल तो है ही भाई, यस और नो, क्या है फाई वन तो है, क्या फाई टू होगा इसमें, फाई टू तो है ही नहीं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई टू, जीरो, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई वन मैक्सिमम भी 90 हो सकती है, नज़दीक करोगे तो वायर को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई क्या था ए साइन 0 प्लस साइन 90 ले सकता हूँ इसको, 91 हो गया, 0 0 हो गया, क्या आंसर बना भाई, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए, एनी प्रॉब्लम भाई, बस